के मैथ टेस्ट सीरीज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 17 जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्पेशली रिलेटेड है। ओके चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि ए वह मिश्रण जो है वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो कहता है जहां पे कह दिया गया है कि पानी का कोई मूल्य नहीं है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखिए, कहता है कि एक दूध वाला जो दूध और पानी को मिला देता है, तो पूछा ये गया कि किस रेशियो में मिलाए कि जब वह जितने में खरीदा यानी क्रय मूल्य पर ही बेचे तो भी उसे 10% का प्रॉफिट। अब आप विचार कीजिए कि अगर आपने दूध को 100 रुपया अगर पर केजी के हिसाब से खरीदा है और इसे जो है आप बेचेंगे भी 100 रुपया पर केजी के हिसाब से, तो क्या आपको कभी बेनिफिट होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन होगा कब? जब आप इस दूध में पानी की और मात्रा मिला दे तो दूध 1 केजी के बजाय बढ़कर हो जाएगा, चाहे आप जितना मिलाते हैं आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आधा लीटर या जितना भी आपने मिलाया वो आपका क्या होगा? बेनिफिट में जाएगा, क्योंकि वो तो आप पानी मिलाया तो जाता है बिल्कुल 0 रुपये पे, लेकिन उसका जो बेनिफिट आप लीजिएगा बिल्कुल दूध के दाम पे ही उसे बेच लीजिएगा। तो यहीं पे बेनिफिट हो जाता है क्रय मूल्य पे बेचने के बावजूद भी। तो सबसे पहले जानिए कि मान लेते हैं 1 लीटर रेशियो जो पूछा जाता है लीटर वाइज, तो मान लिया जाए 1 लीटर या 1 केजी जो भी कह सकते हैं आप, तो 1000 ग्राम होता है 1 केजी में। 1000 ग्राम में अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है यानी कि 100 ग्राम पे प्रॉफिट कमा रहा है और यही 100 ग्राम उसने पानी मिलाया है, कितने में? 900 ग्राम दूध लेगा और 100 ग्राम पानी मिलाएगा, हो गए ना 1000 ग्राम। तो यहीं पे रेशियो क्या हो जाता है अब इन दोनों का? तो 9:1 का रेशियो आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य बताइए कि क्या होगा। अब मान लिया जाए कि एमपी जो है कितना है 100 रुपया है, छूट जो भी दिया जाता है वह दिया जाता है कितना किस पे? तो मार्केट प्राइस पे, और जो लाभ कमाया जाता है वो कमाया जाता है क्रय मूल्य पे। तो देखिए अब अगर 100 रुपया एमआरपी था, 10% का छूट दिया यानी कितने में बेचा होगा? तो 90% में। अगर वो 800 रुपये में खरीदा और 26% के प्रॉफिट पर बेचा बेचकर, तो कितने में बेचा होगा? 126 में बेचा होगा। तो ये भी हो गया विक्रय मूल्य और ये भी हो गया विक्रय मूल्य, दोनों बराबर। और अब इसे बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे यहाँ पे देखिए 100 और 100 कट हो जाएगा। अब इसे 0 और 0 को कट कर सकते हैं, 9 से कट कर दीजिए, 14 टाइम में कट जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 112। ओके, और 10 यहाँ पे ये यानी 1120 रुपया आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5324 रुपया हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। अब यहाँ पे सीआई के बारे में कहा गया है और 3 वर्ष टाइम दिया गया, रेट दिया हुआ है आपके पास, निकालना है मूलधन यानी कि मूल राशि जो कि इतना रुपया हो जाता है। इतना रुपया हो जाता है कहने का मतलब क्या है कि ये आपका मिश्रधन दिया गया है। अब चाहे तो आप इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं कि पी इंटू 1+R/100 पर पावर टी हो जाएगा और इक्वल टू कितना दिया गया है 5324। अब सबका मान पुट करेंगे और ऐसे बना लेंगे, बट हम इसे टेबल से बनाएंगे। टेबल से थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है। टेबल पे सीआई 3 वर्ष के लिए निकालना, 3 वर्ष के लिए मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था तो उसमें मैंने बताया है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए टेबल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए जब टेबल निकालेंगे 10% का रेट से, सबसे पहले क्या किया जाता है कि आर का क्यूब किया जाता है, सेकेंड स्टेप आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया जाता है 3, और थर्ड स्टेप किया जाता है आर इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए जब आर का क्यूब आप करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 में आपको सिर्फ 00 लिखने हैं, बाकी के रह गए 10। अब फिर सेकेंड टाइम में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300।
300 में इस 10 को क्या करेंगे ऐड, तो 310 हो जाएगा। अब 310 में इस दो को, दो डिजिट जो है फिर उसे लिखने हैं। अब बाकी के बच गए आपके पास तीन, तो 10 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, यानी 33.1 हम परसेंट हम कह सकते हैं ये सीआई है। जब सीआई है इतना दिया गया तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 133.1% ये हो गया इसका अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे अगर राशि आप मानते हैं x रुपये और x का 133.1% करेंगे, अमाउंट कितना लिखा जाएगा यहाँ पे 5324। ओके, अब यहाँ से पॉइंट हटा के आप एक जीरो दे सकते हैं। अब इसे कट करें तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 4 टाइम में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 4000 रुपी, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको टेबल निकालना अच्छे से आ जाएगा तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा निकालना, ऐसे थोड़ा लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप सीख लेंगे अच्छे से निकालना तो बहुत ही इजी वे में ये निकल जाएगा। और ये बहुत ही इजी मेथड है डायरेक्टली निकालने का, सीआई अगर सीआई पूछता ना तो इसका सिर्फ निकाल लेते तो यही सीआई हो जाता, ऐसा ही पूछेगा तो 100 इसमें प्लस करना पड़ता है। ओके, तो 4000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस लाभ प्रतिशत से 30% अधिक है जो उस वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर होता है, तो वस्तु की लागत क्या है। अब देखिए, पहले बेचा 1200 रुपया में, इसमें भी कुछ ना कुछ का लाभ हुआ, और एक बेचा था 960 रुपया में, इसमें भी कुछ ना कुछ लाभ हुआ। तो लेकिन कहता है जब इस मूल्य पर बेचा गया तो जो लाभ हुआ ना, उस जो इतने पे बेचने पे जो लाभ हुआ था उससे ये 30% ज्यादा है। तो 30% जो ज्यादा है वो किस कारण से, इन दोनों के मूल्य में जो अंतर है उसी के कारण से। तो दोनों में अंतर कितने का है, अंतर हो जाएगा 240 का। ओके, और अंतर कितना है 30% का, तो 30% इक्वल टू 240, 1% बराबर कितना हो जाएगा 240/30, और इसीलिए आपको निकालना क्या है लागत मूल। तो लागत मूल 100% है, तो 100% इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये कट जाएगा 8 टाइम में, यानी कि 800 रुपया हो गया इसका लागत मूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि 48000 रुपये को ए बी सी के बीच 6:5:4 के रेशियो में बांटा जाता है, तो ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर होगा। यानी कि देखिए आप, A:B:C इसका रेशियो 6:5:4 दिया गया है। अब कहता है तीनों को बांटा जाना है और जिसमें ए और सी के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए अंतर कितने का है, अंतर है 2 का, ए और सी के बीच का अंतर 2 का अंतर है, कितने में 15 में। तो फिर 48000 में अंतर कितने का हो जाएगा, इसे आप कट कर दें तो कितने बार में कट जाएगा, 3200 बार में ये कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आंसर, 6400 रुपया आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 5% छूट देता तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होता। चलिए सीपी को मान लीजिए कि 100 था, अब इस पे मार्केट प्राइस जो वह अंकित किया 20% ज्यादा अंकित किया क्रय मूल्य से, यानी 120 मार्केट प्राइस रखा होगा, अब 5% का छूट देता है बेचने के टाइम, तो छूट तो देगा एमआरपी पे ही, तो 120 पे 5% छूट देगा, यानी कि 95% वह लेगा। अब यहां से कट कर सकते हैं आप, तो 20 से कट कर दीजिए, फिर 5 से कट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 114। अब कहता है अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिए 100 में खरीदा था और 114 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 14% का हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए 25 कुर्सियों
का क्रय मूल्य मान लेते हैं एक एक रुपया के रेट से अगर खरीदे तो 25 रुपया में हमने खरीदा और कहता है 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, यानी कि 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 25 रुपया ही हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 25 रुपया में 25 कुर्सियां खरीदी गई और 25 रुपया में 20 कुर्सियां बेची गई, अभी भी 5 कुर्सियां बेचने के लिए है लेकिन 25 रुपया उसके पैकेट में आ चुका है, तो फायदा कितने का हो गया, 5 का। फायदा हमेशा कम पे इंटू 100, 20 से कट कर दे 5 बार में, ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देख लेते हैं, कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अब कहता है कि जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसे बनाएं आप ऑप्शन बेस्ड। अब क्या कहा कि दोनों संख्याओं का योग 9 है तो सबको चेक करेंगे, 5 और 4 9, 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9, ये तो सब में है। अब कहा गया जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो चलिए हम ऐड करके देखते हैं। पहला ऑप्शन 45 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, ये 45 था तो पलट के हो जाना चाहिए 54, नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं 36 है, 27 हमने ऐड किया, 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसे जोड़ने के बाद, ये हो गया 63। तो यहाँ पे देखिए 36 था, अंक पलट के हो गए 63, यानी कि यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपके दूसरे ऑप्शन में मिल ही गया आंसर तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई जो है 21.8 मीटर है, यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई तार है, मालूम नहीं कितनी लंबाई का है, चाहे जितने भी लंबाई का तार हो, इसे मोड़कर बनाया गया एक आयत और फिर उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो दोनों में जो है तार की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी तार को मोड़कर बनाया गया था आयत और इसी तार को मोड़कर बनाया गया वर्ग, तो दोनों के तार की लंबाई में कोई फर्क नहीं हुआ, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B इक्वल टू, वर्ग का परिमाप होता है 4 × A, A का मतलब भुजा। अब 2 × लंबाई 42.7 दी गई है और प्लस चौड़ाई 21.8 दी गई है बराबर 4A। जब इसे सॉल्व करेंगे टोटल तो 129 आ जाएगा इक्वल टू 4A, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया 129/4। अगर परिमाप होता तो परिमाप तो इसका इतना ही हो जाता, लेकिन पूछा गया वर्ग की भुजा का माप कितना है, तो वर्ग की भुजा का माप कितना हो जाएगा 129/4। अब आप इसे अगर पॉइंट में करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा 32.25, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसमें क्या करना है, आपको हमेशा याद रखिए रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, नहीं याद रहता है तो कैसे याद रखना है कि जब भी हम रुपया को लेकर जाते हैं कोई सामान लेने तो जितना वजन हमारे पैसे का होता है उससे ज्यादा वजन सामान का होता है, तो ऐसे ही रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 160 रुपया में कितने 90 चॉकलेट लिए बटे, कहता है 96 रुपया में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए, 96 रुपया में मान लिया जाए एक्स चॉकलेट बेचने चाहिए, ये जो बेचा गया तो व्यापारी को क्या हुआ 20% की हानि, यानी कि 80 में बेचा होगा और ये कंडीशन में कहा जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट, तो इसके सामने इसी का लिख देते हैं कितना 120 में बेचा जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 160/90 इसे अगर पलटते हैं तो एक्स ऊपर चला जाएगा, 96 नीचे और 80 बाय हो जाएगा 120। आप चाहे तो इसे कट कर सकते हैं, कितने टाइम में, 2 टाइम में कट जाएगा। अब इसे कट कर दे 30 से तो ये 3 टाइम में और ये कट जाएगा आपका कितना 4 टाइम में, 4 से फिर आप इसे कट कर दे तो कितने बार में कट जाएगा 24
फोर टाइम में। अब फिर कट कर दें इसे टू से, तो कितने टाइम में कट जाएगा, 12 टाइम में। अब x का जो मान आ गया कितना आ गया, 36 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।